अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में प्रेम साई धाम कॉलोनी रेलवे रोड के वासिंदों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इन लोगों ने कॉलोनी के बाहर बैनर टांग दिए हैं। बैनर में लिखा है कि भाजपा नेता के रिश्तेदार व पुलिस के उत्पीड़न के कारण कॉलोनी के सभी फ्लैट बिकाऊ हैं। इस आशय की शिकायत कॉलोनी के सोसाइटी ने आज पुलिस कप्तान से भी की है। कॉलोनी वासिंदों का कहना है कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के प्रभाव के कारण रेलवे रोड थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उनका उत्पीड़न करता रहता है। बीती रात वहाँ वाहन खड़े करने को लेकर हंगामा भी हुआ। भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इस विवाद की जानकारी देते हुए साईं धाम रेजिडेंशियल सोसाइटी अध्यक्ष प्रवीण चनोरी ने यह बताया। 12 फ्लैट है, 12 फ्लैट के हम जो बंदे यही खड़े हैं, इसमें एक राजीव अग्रवाल का फ्लैट है जो हमें दिन रात परेशान कर रहा है, उसके भाजपा नेता से संबंध है। वो ये कहता है कि यहाँ पे पहले तो 4 व्हीलर खड़े नहीं होंगे, पुलिस ने वो 4 व्हीलर बाहर निकलवा दिए। अब रात को उन्हें फिर पुलिस बुला के ये दबाव दिया कि यहाँ पे 2 व्हीलर खड़े नहीं होंगे। उसमें कम से कम हमारे 10-11 आदमियों के 25 2 व्हीलर हैं। अब वो पूछना चाहते हैं हम कि वो 2 व्हीलर हम छत पे कैसे ले जाएं, क्रेन द्वारा ले जाएं या कैसे करें। हमें दिन रात उत्पीड़न किया जा रहा है। रेलवे रोड की पुलिस से उसकी साठगांठ है। दिन रात फैंटम उनके घर पे आती है, चाय नाश्ता करती है और हम 11 लोगों से कोई बातचीत नहीं। इस टाइम हम बहुत परेशान हैं। हम सोचते हैं कि अपने 11 फ्लैट किसी और व्यक्ति को बेच के यहाँ से चले गए। आज कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसकी पूरी जाँच करवाऊँगा और हाँ, और आप चिंता मत करो और CO साहब से और मिल लो। ये कॉलोनी कहाँ पड़ती है? ये कॉलोनी ईदगाह के पीछे देवपुरी में पड़ती है, मंदिर वाली गली के बराबर। बीते दिवस विवाद होने पर फैंटम सवार पुलिस पहुंची, लेकिन आरोप है उसने भी सोसाइटी की नहीं सुनी। क्या आपने भाई साहब दरोगा जी का नाम बताया? आपने पर्सनल एक ही मकान में जाने के लिए कहा था दरोगा जी ने? सिर्फ राजीव अग्रवाल के घर में आप जाके बात करेंगे? मैंने बात तो कर लो यार। नहीं नहीं, भारत सरकार हो आप, अब हम यहाँ जमीन पर बैठे की तब बात करोगे? ऐसा है, आप तो बात नेतागिरी करते नहीं, हम नेता शुरू से नेतागिरी नहीं करते, हमारे खून में नेता है। बस हमें बताओ, मैं आपके अधिकारी ने केवल एक ही आदमी के घर जाने के लिए कहा था। क्या के लिए भेजा थे मंदिर जी ने आपको? क्या आप अपने भान बाहर निकालो, सारे भान बाहर निकालो, बात खत्म करो। दिलिंदर जी को भेज दो, मैं फोन करके फोन कर रहा हूँ। रात में फिर पुलिस पहुंची तो वहां पुलिस की एक तरफा कार्रवाई में भाजपा नेता मुकेश सिंघल के खिलाफ नारेबाजी हुई। मुकेश सिंघल जिंदाबाद, 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 मुकेश सिंघल जिंदाबाद। हमारे बच्चों की हिफाजत करो, हमारे बच्चों की हिफाजत करो, हमारे बच्चों की मुकेश सिंघल, हमें भाजपा वालों से बचाओ, भाजपा से बचाओ, भाजपा से बचाओ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम अवश्य हुई है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।